स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि v इज इक्वल टू कितना निकला था, सरल आवर्त गति के लिए v इज इक्वल टू निकला था, या u इज इक्वल टू जो भी आप निकाले थे u या v, तो हम u मान के चलते हैं, u इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखा कि अगर विस्थापन शून्य है यानी अपनी माध्य स्थिति में उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित है, इधर और इधर नहीं होकर के माध्य स्थिति यहाँ पर स्थित है, तो हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू जीरो होगा और हमारा पूरा टोटल वैल्यू u मैक्सिमम आएगा। u मैक्सिमम बराबर क्या होगा, a ओमेगा होगा। इसी प्रकार से अगर ये उच्चतम बिंदु यहाँ या यहाँ पर है तो y बराबर ये u बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों बराबर होंगे, क्योंकि y की वैल्यू ही a होगी। इस तरह से टोटल जो रिजल्ट आएगा वो शून्य होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि सरल आवर्त गति में त्वरण, तो हम बात करते हैं कि जब कोई पिंड गति करता है, जैसे कोई कण गति करता है, कोई P बिंदु पर है, कण गति कर रहा है, तो इसका वेग किधर की तरफ होगा, स्पर्श रेखा दिशा में, लेकिन इस पर एक बल लगता है अभिकेंद्र त्वरण, किधर की तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, वी स्क्वायर बटे आर, यहाँ त्रिज्या ए है इसलिए वी स्क्वायर बटे ए लिखेंगे। इसको दो घटकों में वियोजित किया, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये हमारा जो है एन की साइड जो है उसको हम कहते हैं वी स्क्वायर कॉस थीटा, और जो हमारा ए की साइड है उसे हम क्या कहते हैं, वी स्क्वायर साइन अपॉन ए है। ठीक है, अब देखिए ये जो लंबवत दिशा में है वी स्क्वायर कॉस थीटा, ये हमारा तो कट के ख़त्म हो गया, क्योंकि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसकी डायरेक्शन नहीं, परंतु ये जो हमारा नीचे की तरफ जा रहा है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये अपोजिट है किसकी गति के, ओ से जो एन की तरफ गति हो रहा, सरल आवर्त गति हो रहा उसके, तो हमने अपोजिट है इसलिए इसके लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, यानी लंबवत घटक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे ध्यानपूर्वक कि जो हमको मिल रहा है कण का त्वरण, अल्फा से हम डिनोट करते हैं, हाँ ए से नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब अल्फा जो त्वरण है वो क्या होगा, वी स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। अब देखिए माइनस डायरेक्शन में है और ये अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है कि दिशा विपरीत होगी। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो आपने पढ़ा है वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, तो आप कहोगे साइन थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा बराबर होगा वाई बटे ए, साइन ओमेगा टी से कह सकते हैं, ओमेगा टी यानी साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आई, या थीटा की वैल्यू वाई बाई ए, यहाँ पर वाई बाई ए रखते ही देखिए ए से ए स्क्वायर हो जाता है, तो आपने पढ़ा होगा वी बराबर ए ओमेगा, अभी पढ़ा है, तो आप देखते हैं कि ओमेगा बराबर कितना होगा, कहोगे वी अपॉन ए, तो वी अपॉन ए का स्क्वायर बराबर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर, तो देखिए ये कितना आया, ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई आया, यही आपका त्वरण है और यह ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति का समीकरण। ठीक है, तो इसे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत है, क्योंकि हर चीज़ की तुलना जब भी करेंगे तो इसी इक्वेशन से करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें देखेंगे कि अधिकतम और न्यूनतम की बात हो रहा है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो तो त्वरण जीरो, और वाई की वैल्यू ए तो त्वरण अधिकतम। ठीक है, अब आवर्तकाल का सामान्य सूत्र देखते हैं, तो आपने सुना होगा टी बराबर कितना होता है, टू पाई बटे ओमेगा, ओमेगा होता है। अब ओमेगा की वैल्यू आपने क्या निकाली, अल्फा बटे वाई, देखिए अल्फा इज इक्वल टू कितना आया, ओमेगा स्क्वायर वाई आया। अब चिन्ह हटा दीजिए क्योंकि चिन्ह केवल दिशा प्रदर्शित है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आएगा, आप कहोगे अल्फा बटे वाई, या ओमेगा बराबर कितना आएगा, ओमेगा बराबर आएगा अंडर रूट कितना, अल्फा बटे वाई, यानी वाई का विस्थापन, तो यहाँ पर रख सकते हैं, आप कहेंगे कि टू पाई को बाहर कर दीजिए, ओमेगा की वैल्यू उल्टा हो जाएगा ये, तो वाई अपॉन अल्फा, वाई क्या है विस्थापन और अल्फा क्या है त्वरण है। ठीक है भाई साहब, इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, विस्थापन बटे त्वरण या सरल आवर्त गति का सामान्य सूत्र है। अब पिंड में ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो पिंड में ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमें सबसे पहले देखिए ये सबसे आसान मेथड है, डिफरेंशिएशन मेथड का यूज़ करेंगे। डिफरेंशिएशन मेथड का यूज़ कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि वाई हमारा क्या है, विस्थापन है, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको हम वेग निकालें तो क्या होगा, डी वाई बटे डी टी, डी वाई बटे डी टी करें, यानी इसे हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग बराबर कितना, डी वाई बटे डी टी, तो डी वाई डी टी लिख करके और वाई की वैल्यू रखें ए साइन साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ए तो बाहर चला जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो टी तो गायब हो जाएगा, केवल बचेगा ओमेगा। इसको हम आगे कर लें तो ये जो वी या यू जो भी आपने लिखा, वी लिखेंगे हम, इसको जो हम वी लिखेंगे, ये जो वी लिखेंगे, वी इज इक्वल टू कितना आएगा, ए ओमेगा। ठीक है, ए आगे, ओमेगा को भी आगे कर दीजिए और बचा क्या, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी मतलब क्या होता है, देखिए आप लिख सकते हैं वी, अब इसको हमें ज़रूरत नहीं, बस इतना ही लिखना है, इसे इक्वेशन नंबर वन मान लिया, वी निकल के आ गया। ठीक है, अगली बार हम इसी को फिर से सॉल्व करें तो अल्फ़ा निकल के आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आएगा, आप कहोगे डी
वी बटे डी टी, ठीक है, यानी डी बाई डी टी ऑफ किसका, डी बाई डी टी ऑफ वी, वी का मान कितना है ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी, ठीक है भाई साहब। यहाँ आप देखोगे इस तरह से होगा, और अब आप देखेंगे कि कॉस ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है साइन ओमेगा, माइनस का क्या आएगा, माइनस का देखिए ए ओमेगा तो रहेगा ही और ओमेगा एक और आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और साइन ओमेगा टी, ठीक है। ए और साइन को हम एक साथ ले लें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर और ए साइन ओमेगा मतलब होता है वाई, ठीक है। तो ये हमको मिल गया अल्फा, ठीक है। अब हमको निकालना होगा आगे बल, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, इसकी ज़रूरत तो हमें यहाँ तक पता चल गया, तो देख सकते हैं हम, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर त्वरण और वेग का सून देखें, वेग कितना है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी और दूसरा हमारा कितना है अल्फा बराबर कितना आया आपने देखा ओमेगा स्क्वायर वाई। अब बल निकालना है तो बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण का मान कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ये हमको मिलता है। अब देखें हम इसे विस्थापन थोड़ा सा अनंत सूक्ष्म विस्थापन डी वाई करते हैं, तो हमें किया गया कार्य तो कहेंगे बल, बल गुणे विस्थापन, तो बल का मान कितना है एम ओमेगा स्क्वायर और विस्थापन कितना है डी वाई, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है डी डब्ल्यू बराबर एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अब इसको हम क्या करते हैं शून्य से लेकर के वाई तक इंटीग्रेट करते हैं, तो एम ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई के पावर कितना है वन है, अगर वन है पावर तो इसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर दिया क्योंकि कॉन्स्टेंट है, वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये हमको फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है एक्स टू दी पावर एन का, कितना है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, तो वाई का इंटीग्रेशन जब होता है तो कितना वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन कितना हो जाएगा, ओके वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने के बाद हमको डब्ल्यू बराबर कितना मिलता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई, और इसको हम जब देखते हैं यहाँ पर कि यही जो कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम गतिज ऊर्जा निकालते हैं तो V का फॉर्मूला हमें पता है कितना, V बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और K बराबर जब हम वैल्यू रखते हैं तो K का मान कितना आता है M से गुणा करने के बाद हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों को जोड़ने के बाद हमको टोटल ऊर्जा प्राप्त होती है, टोटल ऊर्जा हमको दोनों को जोड़ने के बाद देखिए वाई से वाई क्या होती है समाप्त हो जाती है, इस तरह से हमें क्या मिलता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी हम देखते हैं ओमेगा बराबर रखेंगे टू पाई एन और जैसे ही टू पाई एन रखते हैं वैसे ही हमको क्या मिलता है आप देखेंगे यहाँ पर टू पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर एम, तो यानी ई जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है किसके एन स्क्वायर के यानी आवृत्ति के, ई अनुक्रमानुपाती होता है आयाम के वर्ग के और ई स्क्वायर जो अनुक्रमानुपाती होता है वो द्रव्यमान के डायरेक्टली होता है, बाकी सब यहाँ पर स्क्वायर के पदों में है और यहाँ केवल लीनियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस चैप्टर में लगभग एक दो टॉपिक और बचे हैं, उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी, तब के लिए धन्यवाद।